मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आज वर्ग 7 का सब्जेक्ट हिंदी है, लेसन 2 में है अंधविश्वास। वर्ग 7 के बच्चे ध्यान देंगे, उनका लेसन 2 आज स्टार्ट होने जा रहा है। वो लेसन 2 का नाम है अंधविश्वास, अंधविश्वास में जीना। जैसे प्रस्तुत कविता के माध्यम से आज भी हमारे देश में पूजा के नाम पर बलि देने का प्रथा विद्यमान है। जैसे दुर्गा पूजा होता है तो बलि प्रदत्त उसमें होता है, तो आज हमारे समाज में ये भी विद्यमान है। समाज तथा समाज के लोग इसके प्रति जागरूक बनने तथा अंधविश्वास का विरोध करने की दृष्टि से इस कहानी की रचना की गई है। देखिए इस कहानी में शरदचंद चट्टोपाध्याय जी का लेखन है। सब उसे लालू के नाम से पुकारते थे। कॉलेज जाते समय वह हमें अक्सर मिलता था। वह मजदूरों से मरम्मत के छोटे मोटे काम करवा रहा होता था। हमें देखते ही वह कहता, भागो भागो कहीं हाजिरी न रह जाए, भागो भागो कहीं हाजिरी मतलब अटेंडेंस न रह जाए। बचपन में जब वो बंगला स्कूल में पढ़ते थे तो लालू सब तरह के कामों का मिस्त्री था। जैसे स्कूल में टूटे छाते ठीक करना, स्लेट की मढ़ाई ठीक करना, फटे कुर्ते को सिलना आदि। मुझे याद नहीं आता कि उसने कभी किसी काम के लिए मना किया होता। काम भी बहुत अच्छा करता था। लल्लू जो था ऐसा व्यक्ति था कि जब भी स्कूल में कोई टूटे फूटे काम मतलब किसी का कपड़ा फट जाता था तो भी वो सिल लेता था। कोई भी ऐसा काम नहीं था कि लल्लू छोड़ बैठता था, उसको कुछ भी कहा जाता था वो कर लेता। लल्लू में असाधारण ताकत थी, वैसा ही असीम साहस भी था। अखाड़े में उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, आज भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। डर क्या होता लल्लू ने यह जाना ही नहीं। उसमें एक बड़ा दोस्त था, वह दूसरे को डराने का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। बड़ा हो या छोटा सबसे को अलग अलग तरीकों में डराता था। लल्लू ऐसा था कि अखाड़े में लल्लू के सामने कोई टिक नहीं पाता था, वो दूसरे को डराने में बहुत एक्सपर्ट माहिर था। छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो उसको डरा। एक बार मनोहर चट्टोपाध्याय के यहाँ काली का पूजा होने वाली थी। मनोहर चट्टोपाध्याय जी के यहाँ काली जी का पूजा होने वाला था। बलि देने वाला व्यक्ति बीमार था। जो बलि मतलब बलि काटता है, जैसे दुर्गा पूजा में ही देखते हो आप लोग की खसी का बलि दिया जाता है, तो उसमें काटने वाला जो था वो व्यक्ति बीमार पड़ गया था। सब सोच रहे थे कि बलि नहीं दी गई तो पूजा चौपट हो जाएगी, अगर बलि नहीं दी जाएगी तो पूजा चौपट हो जाएगी। इसी उलझन में रात हो गई थी, इसी उलझन में इस बात को लेके ढेर सारे बातें को लेके रात हो गई थी। तभी किसी ने कहा, लल्लू बकरा काट सकता है क्या। लल्लू से पूछा, लल्लू बकरा तुम काट सकते हो क्या। उसने कितने ही बकरे काटे हैं। आदमी दौड़ाए गए ताकि लल्लू आए और पूजा पूरी हो। लल्लू सो रहा था, वह नींद से उठा और बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लल्लू बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं भैया मना मत करो, जल्दी चलो, देवी पूजा में विघ्न होने का सर्वनाश हो जाएगा। देवी जी के पूजा में विघ्न मतलब विघ्न ना आ जाए वो तो सर्वनाश हो जाएगा। बुलाने वाले ने समझाया, लल्लू बोला, होने दो, मैंने बचपन में यह काम किया था, अब नहीं करूंगा। लल्लू ने बोला कि मैं बचपन में यह काम किया था लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। तभी पिताजी के आंखें मिलाते हुए आए और बोले, दूसरा कोई नहीं मिला तभी तो ये लोग आए हैं, तुम्हारे ना जाने की अनिष्ट होगा, महाकाली के क्रोध से कोई भी न बचेगा, उठो और अभी जाओ। लल्लू पिता की बात नहीं टाल सका, उठा और चल दिया। लल्लू पिताजी के अपने बात नहीं टाला और उठ के और चल दिया। लल्लू को देखकर चट्टोपाध्याय की चिंता दूर हो गई। मतलब लल्लू जब बकरा को काटने आ गया तो चट्टोपाध्याय जी की चिंता दूर हो गई। जल्दी से बकरे को तैयार किया गया, माथे पर सिंदूर लगाकर गले में माला पहनाई गई। माँ माँ के तेज आवाजों से चारों ओर गूंजने लगी। माँ माँ के ढोल घंटे बजा बजा कर भक्तजन नाचने लगे। लल्लू को नाचते झूमते भक्तजनों को देखा, उसने सिंदूर का तिलक बकरे को लगाया। एक भयंकर हुंकार भरी, लोग की आंखें मूंद कर काली का जाप कर रहे थे। हुंकार सुनकर सारा कोलाहल शांत हो गया। हुंकार को सुनते ही सारा जितने शोरगुल थे वो सब शांत हो गया। तब भी लालू का खड़ग ऊपर उठा और जोर से नीचे गिरा। ढोल घंटे बजते रहे, दूसरे बकरा पास ही खड़ा धीरे धीरे कांप रहा था। भयंकर अर्तनाद और उसकी भी बलि दे दी गई। जैसे फिर ढोल तेज बाजे,
बजे लल्लू जोर से चिल्लाया, और बकरे कहाँ है, और बकरे कहाँ है, अब तो बकरे नहीं है, बस दो ही बकरे चढ़ाए जाते हैं। लल्लू बोला और बकरे कहाँ है, तो बताया गया कि नहीं बस दो ही बकरे चढ़ाए जाते हैं। डरते हुए एक आदमी ने कहा। लल्लू ने खड़क को सिर पर घुमाया और आंखें लाल करके बोला, बकरा नहीं है तो यह नहीं हो सकता है, जय माँ काली। लल्लू ने बोला कि बकरा नहीं है तो यह नहीं हो सकता है, जय माँ काली, अब तो मैं किसी और की बलि जरूर चढ़ाऊंगी। लल्लू ने बोला कि अब तो और किसी की बलि मैं जरूर चढ़ाऊंगी। वह कूद कर बलि बलि वेदी पर चढ़ा, जमीन पर पड़ी माला उठाई और खड़क से गोल गोल घुमाते हुए बोला, अब तो मैं जिसे पकड़ लूंगा उसे ही बलि चढ़ाऊंगा। लल्लू ने क्या किया, अपने तलवार में वहां से एक माला उठाया और घुमाने लगा और बोला कि अब मैं जिसे पकड़ लूंगा उसे ही बलि चढ़ाऊंगा, मैं तो माँ का अवश्य प्रसन्न करूंगा, मैं तो माँ को अवश्य ही प्रसन्न करूंगा। लोग डर के मारे तेजी से भागने लगे, कोई लुटका, किसी ने किसी को धकेला, कोई मुंह मुंह के बल से गिरा। लल्लू जोर से चिल्लाया, कहाँ है मनोहर चट्टोपाध्याय, कहाँ गया पुरोहित। लल्लू ने बोला, कहाँ गया मनोहर चट्टोपाध्याय, कहाँ गया पुरोहित। चट्टोपाध्याय मंदिर के पीछे जा छिपा थे, पुरोहित चंडी के जाप छोड़कर झाड़िया में छिप गए थे। लल्लू मंदिर के पीछे से चट्टोपाध्याय को पकड़ लाया और गर्जा, चलो बलिवेदी पर सिर डालो, अपना मैं बलि अवश्य दूंगा, आज मेरे सिर खून चढ़ गया है। आज लल्लू ने बोला, आज मेरे सिर खून चढ़ गया है। चट्टोपाध्याय थर थर कांपने लगे, रुआसी आवाज बोली, लल्लू मैं भैया मैं बकरा नहीं आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारा ताऊ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, चलो मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा, माँ का आदेश है। चट्टोपाध्याय ने फक कर रो पड़े, बोले भैया वह जगत जननी है, माँ तो माँ है, माँ के आदेश नहीं। लालू ने कहा, माँ जगत जननी है, अब तुम्हें सारी अकल आ गई, अब माँ का आदेश नहीं है, फिर कभी चढ़ाओगे बकरा, फिर काटोगे। चट्टोपाध्याय बोला, कभी नहीं, अब कभी नहीं, माँ के सामने तीन बार कसम खाता हूँ, आज से मेरे घर में बलि बंद, सच कहते हूँ बिल्कुल सच भैया, मेरे हाथ हाथ छोड़ दो। लल्लू ने हाथ जो छोड़कर तेज छलांग मारी और गर्जा, कहा है पर वह पुरोहित गुरुदेव। तभी झाड़ी के पीछे से रोने की तेज आवाज आई, अब लल्लू अपनी हंसी रोक न पाया, उसने खड़क जमीन पर पटका और घर चला गया। कुछ ही देर बाद सबकी समझ आ गई, धीरे धीरे सब लौट आए। चट्टोपाध्याय महाशय बोले, कल सुबह उस शैतान को उसके ही बाप से ने पिटवाऊं तो मेरा नाम भी मनोहर नहीं। लल्लू ने को जूते नहीं खाने पड़े। अगले दिन वह सुबह सुबह उठकर घर से चला गया। 7 दिन बाद एक रात मनोहर चट्टोपाध्याय के घर घुसकर माफी मांगा। मनोहर बोले, अब देवी के सामने शपथ ली है, अब मेरे घर काली का पूजा कभी बलि न दी जाएगी। चलिए, आप लोग का यही कहानी था कि मतलब पूजा होना चाहिए बट बलि नहीं देना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अब आप लोग के सामने इस चैप्टर का लेसन 2 का आपको शब्दार्थ दी जाएगी होमवर्क में। चलिए, अब हम मिलते हैं अगले क्लास में।